Hey guys, welcome back to my channel ETET and anything and everything with Tali this side and I hope you guys are doing really great. नैनीताल के ट्रिप के बाद मैं लाई हूँ आपके सामने ये छोटी छोटी वीडियोज ऑफ मनाली एंड सिसू. ऐसा सच कोई प्लान नहीं था मेरा बट क्योंकि ये सडन प्लान था ऑफ मी एंड माई फ्रेंड्स बट मनाली एंड सिसू के वेदर ने मुझे फोर्स ही कर दिया था ये वीडियो बनाने के लिए. सो आई थॉट कि मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे ब्यूटीफुल एंड मेसमराइजिंग व्यू शेयर करूँ जो मैंने वहाँ साक्षात एक्सपीरियंस किए थे. इस सीरीज़ के अंत तक बने रहेगा दोस्तों क्योंकि आपको कुछ बहुत ही डिलीशियस खाना, अमेजिंग व्यूज एंड पीसफुल वीडियो का एक्सपीरियंस मिलेगा. सो स्टे ट्यून्ड. सो गाइज लेट मी शो यू आर रूम. ये यहाँ पे देखिए कितना बड़ा मिरर है. यहाँ पे प्रॉपर लोगों ने एक टेबल दे रखी है विद ड्रॉवर. इसमें रखेगा कौन, गंदा है दो. देन वी हैव आर बाथरूम. शावर है, गीजर है, अच्छा है सब कुछ. कपड़े वपड़े आप यहाँ पे टांग सकते हैं, काफ़ी क्लीन है. ये एंट्री करते के साथ ही यहाँ पे बाथरूम के बाद ये है बेड. ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट इन लोगों ने यहाँ पे पूरा बना रखा है. देन यहाँ पे भी इन लोगों ने सेक्शंस दे रखे हैं जहाँ पे आप सामान रख सकते हैं. टीवी है. ये है हमारे रूम से व्यू. ये देखिए स्नो पीक माउंटेन्स आपको बहुत ही ईजिली विजिबल हैं. इतना सुंदर व्यू है गाइस, मैं आपको क्या बताऊँ. Like literally it's so gorgeous. अगर मैं zoom करूँ थोड़ा सा, पता नहीं आपको visible है या नहीं. This is like really pretty. So guys, finally हम लोग ready हो चुके हैं. हम लोग ने rest कर लिया ढंग से. तो हम लोग ने decide किया कि चलो मनाली में बाहर थोड़ा mall road वगैरह घूमने चलते हैं. But suddenly बारिश start हो गई. मैं एक बार आप लोगों को दिखा देती हूँ. ड्रिजलिंग है अभी. सो हम लोगों ने ऑलरेडी अम्ब्रेला ले लिया था एंड कल का स्नोफॉल भी आया हुआ है मनाली एंड सिसू का तो आया ही हुआ है. बाकी देखते हैं कैसे क्या प्लान आउट करता है. अभी फिलहाल बहुत तेज की भूख लगी है. सब लोग फ्रेशन अप हो रहे हैं, सब लोग रेडी हो रहे हैं. बस जैसे ही सब लोग रेडी होते हैं उसके बाद फिर हम लोग निकलते हैं फॉर आवर लंच टाइम. बट लंच से पहले मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको यहाँ का व्यू जो कि बहुत खूबसूरत है. Feel like that. Feel like that.
सो गाइस दिस इज हनीमून टेंपल फॉर यू. यहाँ पे बहुत सारी आइसोलेटेड प्लेसेस है वेयर यू गाइस कैन सिट एंड हैव अ पीसफुल कॉन्वर्जेशन, बिकॉज यहाँ पे काफी अच्छा सा एटमोसफेयर है, बहुत ही पीसफुल एटमोसफेयर है. आप लोग अपनी कॉन्वर्जेशन जरूर इंजॉय करेंगे. गाइज घूमते घूमते हम लोग आ गए हैं ओल्ड मनाली में, एंड यहाँ पे बहुत ही अच्छी मुझे सेम्बर रिवर की आवाज़ आ रही है, विच इज़ एक्चुअली यू नो इट एक्चुअली रिलैक्सेस योर माइंड टू द फुलेस्ट. आप यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं, अपना कॉफ़ी वॉफी पी सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं. Don't lose it, don't let confuse it. Only then you'll be gone.